मैसेज देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड तक करना डेटॉल, हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, जीतेंगे ये फाइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मौसम। और आज की इस वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ा था, जो कि चैप्टर नंबर 3 था, और ये है चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है प्लानिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्लानिंग के बारे में जानते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग, अगर हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो भी थिंकिंग करते हैं, जो भी एडवांस में थिंकिंग करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि मुझे ये पेन बनाना है और इस पेन को बनाने के लिए मुझे कुछ तो प्लान करना होगा, कुछ तो डिसाइड करना होगा। ओके, तो जो भी हम लोग इस पेन को बनाने से पहले जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी प्लान बनाते हैं, उसे ही हम प्लानिंग कहते हैं। ओके, आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, इट कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस what to do, when to do, how to do and by whom it is to be done. Okay, planning का मतलब क्या होता है? कि planning का मतलब होता है कि जो भी हम advance में thinking करते हैं, जो भी हम advance में सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन इस काम को करेगा, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? Planning कहते हैं। और सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग ब्रिज अ गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांटेड टू रीच। हम आज कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसे बताता है। ओके, तो प्लानिंग का मतलब तो हम लोग समझ गए। आइए चलते हैं अब इसके फीचर की तरफ। तो इसके फीचर क्या है? तो सबसे पहला है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या कंट्रीब्यूट करता है? ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करता है। कैसे आए देखते हैं। इट स्टार्ट विद द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, प्लानिंग जब भी स्टार्ट होता है तो वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। अभी अगर मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, मेरा कोई एम ही नहीं है, तो क्या मैं प्लान बनाऊंगी? नहीं बनाऊंगी। इसीलिए जब भी प्लान मेक होता है, जब भी प्लान बनता है, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव, एक लक्ष्य होना जरूरी होता है। ओके, और क्या है इसमें? वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, तो अब जब कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा तो हमें प्लानिंग बनाने की जरूरत क्या है? हमें तो कोई जरूरत है ही नहीं प्लानिंग बनाने की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, उसके बाद क्या है? आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड, प्रोसीड्यूर्स एंड स्टेप फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब क्या होता है कि प्लान अगर डिसाइड हो जाता है, सेट हो जाता है प्लान, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि मेथड्स को फाइंड किया जाता है, उसके बाद जितने भी स्टेप्स लेने हैं, जितने भी प्रोसीड्यूर्स करने हैं, क्या क्या प्रोसीड्यूर करने हैं, उन सबको डिसाइड किया जाता है। और इन सब को इसीलिए डिसाइड किया जाता है ताकि जो कंपनी है वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ओके, तो प्लानिंग क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो होता है वो हमेशा ही प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ओके, कैसे होता है? नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शंस, बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर सेट अप इन द प्लानिंग एंड अदर फंक्शंस डिपेंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव ओनली। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आता है कि जब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे, आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते। विदाउट प्लानिंग ना हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ना कुछ स्टाफिंग कर सकते हैं, ना डायरेक्शन कर सकते हैं, ना फिर कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम प्लान करें। प्लान ही नहीं रहेगा तो उसमें वर्क क्या करेंगे हम? कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्लानिंग होता है वो हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसके बिना मैनेजर जो है वो अपने वर्क को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा।
किसी भी वर्क को करने के लिए प्लानिंग फंक्शन का सबसे पहले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक कंपनी के लिए, हर एक बिजनेसमैन के लिए. ओके, इसीलिए प्लानिंग जो होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. इसके बाद प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग होगी, और उसके बाद कंट्रोलिंग होगी. ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. तो नेक्स्ट पॉइंट है परवेसिव. परवेसिव का मतलब तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल. तो ये जो प्लानिंग होता है ये यूनिवर्सल होता है, हर जगह इसका यूज़ होता है, हर एक मैनेजमेंट में यूज होता है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, या फिर लो लेवल मैनेजमेंट हो. हर एक मैनेजमेंट के लेवल पे इसका यूज होता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल है, ये परवेसिव है. ओके, आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक होता है या फिर फॉरवर्ड लुकिंग होता है. कैसे होता है? इट ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और फ्यूचरिस्टिक फंक्शन. मतलब प्लानिंग जो होता है वो हमेशा ही फ्यूचर के लिए सोचा जाता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, हमेशा फ्यूचर के लिए डिसाइड किया जाता है, और प्लानिंग का यूज़ हमेशा फ्यूचर के लिए होता है. ओके, इसीलिए प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है और हमेशा वो आगे के लिए सोचा जाता है. और क्या है इसमें? प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट. प्लानिंग जो है वो कभी भी पास्ट के लिए नहीं बनाया जाता है. आपने कभी सुना है कि मेरा जो टाइम पास हो गया उसके लिए मैं प्लानिंग बनाऊं? क्योंकि बीता हुआ समय तो कभी वापस आता ही नहीं है, तो उसके लिए प्लान करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं. तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, पास्ट के लिए नहीं होता है. ओके, जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि जो प्रिडिक्शन और जो एजम्पशन वो कर रहे हैं फ्यूचर के लिए वो उनके लिए बेनिफिशियल हो, इसीलिए क्या करते हैं वो प्लानिंग करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, एजम्पशन करते हैं, ताकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके. ओके, तो प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है और फॉरवर्ड लुकिंग होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस. अब प्लानिंग क्या जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. कैसे होता है ये देखते हैं. प्लानिंग इज नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान ऑल्सो वन हैज टू बी टच विद द चेंजेस इन चेंजिंग एनवायरमेंट एंड सेलेक्शन ऑफ वन बेस्ट वे. अब क्या होता है कि प्लानिंग जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस होता ही नहीं है. क्योंकि अब मान लीजिए मैंने एक प्लान बनाया है, तो क्या मैं प्लान बना के छोड़ दूँ? अब ये देखूँ नहीं कि वो प्लान जो है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो सही से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, या जो मैंने जो प्लान बनाया है उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरमेंट. तो प्लान बनाने के बाद भी हमें प्लान के टच में रहना होता है कि प्लान जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, क्या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर वो प्लान जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें एक बेस्ट वे सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुँच सके. तो यहाँ पर प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. ओके, तो ये तो पता चल गया हमें कि प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है. आइए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. अब प्लानिंग क्या करता है कि डिसीजन को भी लेने में हेल्प करता है. ओके, कैसे हेल्प करता है? प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल वन. अब प्लानिंग जो है वो हमेशा क्या होता है कि हमारे पास चॉइस रहती है, दो से ज़्यादा या फिर तीन से ज़्यादा या फिर बहुत सारे चॉइस रहते हैं, तभी हम प्लानिंग बनाते हैं कि हमें इस तरह से इसे नहीं चूज़ करके उसे चूज़ करना, उसे नहीं चूज़ करके उसे चूज़ करना. तो प्लानिंग जो होता है हमेशा डिसीजन को लेने में हेल्प करता है, हमेशा अल्टरनेटिव ज़्यादा होते तभी प्लानिंग बनाई जाती है. ओके, और उसमें से सबसे जो बेस्ट है उसे चूज़ किया जाता है. बहुत सारे प्रिडिक्शन, बहुत सारे अजम्पशंस, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को करने के बाद ही जो बेस्ट वन होता है उसे चूज़ किया जाता है. ओके, तो प्लानिंग डिसीजन लेने में भी बहुत हेल्पफुल होता है. ओके, लास्ट वन इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज.
वाह, अब प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज भी है। दिमाग का काम तो करना ही होगा प्लानिंग के लिए, तो आइए देखते हैं कैसे है ये प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज। ओके, इट इज मेंटल प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्स हायर थिंकिंग, इट रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंट। अब क्या होता है कि प्लान को बहुत सोच समझ के, बहुत सारे प्रिडिक्शंस को करके, बहुत सारे टेस्ट को करके, बहुत सारे एनालिसिस करने होते हैं, उसके बाद ही प्लान बनता है। क्योंकि एक बार प्लान बनने के बाद वो प्लान ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे प्रॉफिट हो, वो अपने गोल को अचीव कर सके, और इंडिविजुअल गोल भी फुलफिल हो और ग्रुप गोल भी फुलफिल हो। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ही प्लान को बनाया जाता है। तो प्लानिंग बनाने के लिए मेंटल एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग का दौड़ाना होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग का वर्क करना होता है, उसके बाद ही प्लान बनता है। तो ये तो हमने देखा कि प्लान जो होता है वो मेंटल एक्सरसाइज होता है। प्लान को बनाने में दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना होता है। क्योंकि अगर हम सही से एनालाइज करके या फिर सही से प्रिडिक्ट या एजम करके हम अगर नहीं बनाए प्लान, नहीं बन पाया हमारा प्लान, तो क्या होगा कि ये जो प्लान होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही लॉस क्रिएट कर देगा, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस को नहीं बेयर करना चाहती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेंटल एक्सरसाइज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी प्लान को बनाने से पहले सोचना पड़ता है, दिमाग को दौड़ाना पड़ता है। भैया प्लान बनेंगे तो दिमाग तो खर्च होगा ही, इसीलिए प्लानिंग जो होता है वो हमारा मेंटल एक्सरसाइज है। ओके, तो ये सारे तो हमने देख लिए फीचर्स प्लानिंग के। ओके,